हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैक्स शाला। मैं योगेश कुमार प्रजापत, आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो अपने रहेगी हंगेरियन मेथड। असाइनमेंट में पार्ट टू में अपन देखेंगे हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड देखने से पहले उसके एल्गोरिथम क्या रहेगा और प्रोसेस कैसे रहेगी, इसको कैसे अपन फॉलो करें। सबसे पहले स्टार्ट स्टार्ट में देखिए, असाइनमेंट टेबल अपन को बनानी पड़ेगी, जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा इसमें अगर टेबल नहीं बनी हुई है तो अपन को टेबल बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, इट इज़ बैलेंस प्रॉब्लम। अगर स्कोर मैट्रिक्स होना कंपलसरी, अगर स्कोर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, स्कोर मैट्रिक्स है, अगर स्कोर मैट्रिक्स है तो यस, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ऐड डमी, या तो रो में ऐड करनी पड़ेगी या फिर कॉलम में ऐड करनी पड़ेगी। जैसे ही ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको फिर अपन नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। इज इट अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम गिवन है अपन के पास तो उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू उस मैट्रिक्स में लेनी है और सब में से माइनस करनी है। कन्वर्ट इट इनटू अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय सब्सट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट। जैसे ये बन जाएगी, ये मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी इस प्रॉब्लम से, फिर इसको अपन क्या करेंगे, नो, ठीक है, यहाँ से हो गई, अगर नहीं है अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसका। जैसे कन्वर्ट हो गई, इट इज़ ऑप्टेन द रिड्यूस कॉस्ट टेबल फ्रॉम दिस। अब पहला फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, सब्सट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन रो फ्रॉम द ऑल एलिमेंट फ्रॉम द रो एंड देन। अब क्या करना, रो की जो पहले सारी वैल्यू होगी, रो में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, इसको माइनस करना और टेबल बनानी है अपन को। फिर देखना है कि इंडिविजुअली रो में सिंगल जीरो है अपने पास। उसके बाद में ये देखेंगे, कॉलम चेक करेंगे, कॉलम में जीरो नहीं है, अगर सभी कॉलम में मिनिमम एक जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉलम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। जो टेबल बन गई अपने पास, इसको नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन टू कवर द ऑल जीरो इन द टेबल। अब जितने जैसे सिक्स फाइव और फाइव की मैट्रिक्स है तो फाइव असाइनमेंट होना कंपलसरी है। अपन देखेंगे उसमें अगर फोर असाइनमेंट हो रहे हैं तो जो मैट्रिक्स से कम है तो इसमें जीरो अपन ने असाइन कर दिए। असाइन करने के बाद क्या करेंगे, अपन मार्क करेंगे रो के कौन कौन सी रो मार्क करनी है, जो अपन एग्जांपल में देखेंगे कैसे रो मार्क करेंगे और कॉलम कैसे कट करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, डज द नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जितने ब्लॉक अपने मतलब जितने असाइन हो रखे उतनी ही लाइन क्रॉस होनी चाहिए, अगर यस तो वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर स्टॉप कर देंगे अपन, फाइनल उसका वैल्यू आ जाएगी, जहाँ अपन को ओरिजिनल मैट्रिक्स से अपन वैल्यू लेके उसको ऐड कर देंगे फाइनल वैल्यू। अगर वो अपन नंबर इक्वल टू नहीं है, अगर असाइन के इक्वल नंबर ऑफ लाइन इक्वल नहीं है तो नो, सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट जिसके ऊपर लाइन पास नहीं हुई है। अपन लाइन क्रॉस करेंगे और लाइन पास नहीं हुई उस वैल्यू पे तो क्या करेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू लेनी है, अनकवर्ड लाइन जिसके लाइन पास नहीं हुई, अनकवर्ड एलिमेंट लिए, ऐड इट द एलिमेंट दैट लाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। जहाँ दो लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ उस वैल्यू को ऐड करना है, और जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू जहाँ पे लाइन केवल पास हो रही है उस वैल्यू को एज इट इज रखना है, और गिव इट द रिमेनिंग एलिमेंट अनचेंज इन द रिसीव कॉस्ट टेबल। बाकी रिमेनिंग वैल्यू सेम रहेगी, और उसके बाद में जो वैल्यू अपने पास मैट्रिक्स में जो रिमेनिंग बची हुई है जहाँ से लाइन पास नहीं हुई है उसमें से वो वैल्यू मिनिमम वैल्यू माइनस करनी है, फिर ये टेबल बन जाएगी वहाँ से। फिर ये ऑप्टिमाइजेशन फिर से अपन को करना है, इसको सेलेक्ट करना, असाइन करना वैल्यू, असाइन करने के बाद देखते हैं कि मैट्रिक्स से इक्वल आ रही है वैल्यू तो सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाएगा और फाइनल स्टॉप हो जाएगा। अब देखते हैं अपन एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब अपन एग्जांपल देखते हैं, इससे पहले अपन एल्गोरिथम देख लिए, इसकी प्रोसेस क्या होगी हंगेरियन मेथड की, कैसे इसके प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या रहता है कि मैट्रिक्स स्कोर मैट्रिक्स है या नहीं, तो अपन दिख रहा है कि 6x6 की स्कोर मैट्रिक्स है ये, तो अब इसको अपन अंदर प्रोसेस जो फॉलो होगी अपन देखते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले रो की मिनिमम वैल्यू उसको माइनस करनी है, इसमें कितनी वैल्यू है मिनिमम 9, इसमें मिनिमम 9 वैल्यू है, इसमें कितनी है मिनिमम 43, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। इस वाले में मिनिमम वैल्यू कितनी है 23, इस वाले में मिनिमम वैल्यू कितनी है 27, इसमें मिनिमम वैल्यू 11, इसमें मिनिमम वैल्यू 3। अब इस वैल्यू को माइनस करके अपन एक मैट्रिक्स बनाएंगे, वो अपन देखते हैं।
ये अपने पास मैट्रिक्स आ गई, क्योंकि ये अपन इस रो में मिनिमम वैल्यू 9 थी, इसमें 43, 28, 27, 11 एंड 3, ये क्या अपन ने रो की मिनिमम वैल्यू को माइनस करके ये मैट्रिक्स बना लिया अपन ने। अब चेक करते हैं इसमें जीरो सब में है या नहीं, रो या कॉलम में। एक तो मिनिमम अपन जीरो होना कंपलसरी, इसमें देखा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, कॉलम में, इस कॉलम में भी नहीं है, इस कॉलम में भी नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, अब कॉलम की मिनिमम वैल्यू लेके इस बाकी जो मैट्रिक्स बची हुई है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब जो कॉलम वाली मैट्रिक्स हम देखेंगे अब कैसे बनाएंगे, सो मिनिमम वैल्यू कितनी है इसमें, 2 है, इस वाले में मिनिमम वैल्यू है 10, इसमें मिनिमम वैल्यू है 5। इसको माइनस करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो अपन देखते हैं। कॉलम की वैल्यू माइनस करने के बाद ये अपने पास मैट्रिक्स है, ये तो अपन के पास पहले आ चुका था, इसमें जीरो था, इस वाले में नहीं थे कॉलम में, तो अपने मिनिमम वैल्यू माइनस करके ये अपन ने मैट्रिक्स बनी। अब क्या करना है, इसमें असाइनमेंट करना है। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि कैसे असाइनमेंट करते हैं, अब देखते हैं इसमें फिर से असाइनमेंट कैसे करेंगे। इसमें इसमें देखा 30 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें सिंगल जीरो है, मतलब सिंगल जीरो को ही सिलेक्ट कर सकते। सबसे पहले ये देखना है कि सिंगल जीरो हो, उसमें सिलेक्ट हो गया। इसमें रो और कॉलम में जितना जीरो है उसको क्रॉस कर दो, ये क्रॉस हो गया। अब नेक्स्ट इसमें सिंगल जीरो है तो सिलेक्ट हो जाएगा इस रो में, तो इसमें बाकी जो कॉलम वाले या फिर उसके रो में बाकी जो जीरो हो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखते हैं फिर से, इस कॉलम में 2 है, सिंगल है, सिलेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि इस रो में देख रहे हैं अपन सिंगल जीरो है, बाकी जो रिमेनिंग जीरो क्रॉस कर देंगे। अब देखा इसमें कोई जीरो नहीं, अब देखते हैं कॉलम में सिंगल जीरो, इसमें सिलेक्ट हो गया, बाकी इस कॉलम में एक भी जीरो नहीं है। अब नेक्स्ट फिर रो में देखें, इसमें 2 जीरो है, दो ही जीरो अपने पास रिमेनिंग है, और अपने पास कॉलम कितने हैं। अब देखते हैं अपन कॉलम में देखना पड़ेगा, क्योंकि रो से सिलेक्ट नहीं हो रहे कि 2 है। अब कौन सा इस रो से स्टार्ट किया, अब सिंगल इस रो में सिंगल जीरो है, इसको सिलेक्ट कर दिया, ये क्रॉस हो जाएगा। अब कोई जीरो बचा हुआ नहीं है, अच्छा कितने सिलेक्ट हुए अपने पास, 1, 2, 3, 4 और 5, और मैट्रिक्स कितने की है, 6x6 की, तो मिनिमम 6 सिलेक्शन होने चाहिए थे, क्योंकि अपने पास 5 हुए। तो अब इसमें क्या लगाना पड़ेगा, हंगेरियन मेथड लगानी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम हंगेरियन मेथड लगानी पड़ेगी, क्योंकि 6 लोकेशन होने कंपलसरी है, क्योंकि 6x6 की मैट्रिक्स है। अब देखते हैं अपन कैसे इसको, कौन सी रो सिलेक्ट करनी है और कैसे इसको हटानी है। अब सबसे पहले ये देखना है इसमें, इस रो में जिसमें 0, 1, 2 सिलेक्ट नहीं हुआ, इसमें देखा एक सिलेक्ट है, इसमें भी देखा एक सिलेक्ट है, इसमें भी है, इसमें एक भी सिलेक्शन नहीं है, इसको मार्क किया, नंबर 1 दे दो आप, इसको मार्क किया। इस रो के अंदर एंटर हुए जहाँ जिस जीरो पे क्रॉस लगा हुआ है उसको अपन काट देंगे, टिक लगा दिया। सेकंड नंबर, इसमें भी एक जीरो क्रॉस है, नंबर 3। अब ये है, ये हट जाएगी यहां से, एक बार अपन देखते हैं, ये यहां से हट जाएगी, ये भी हट जाएगी, ये सिलेक्ट हो गई है, इसको भी हटा देंगे। अब फिर से देखते हैं इसमें, अब देखते हैं ये सिलेक्ट हो गए अपने पास 1, 1, 2 एंड 3। अब देखते हैं इसमें जिसमें एक भी जीरो सिलेक्ट नहीं हुआ, इस रो में देखा एक जीरो सिलेक्ट है तो इसको ओपन नहीं लेंगे, इसमें देखा एक भी जीरो सिलेक्ट नहीं, इसको ओपन नहीं लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से हट चुकी है वैल्यू, इसको टिक के नंबर 4। इस रो में एंटर हुए जिस जीरो पे क्रॉस लगा हुआ है उसको ओपन काट देंगे, ये नंबर 5। अब नेक्स्ट देखा अपन ने, इसमें आए, फिर इसमें एक भी सिलेक्ट नहीं है जीरो, तो फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, नंबर 6। ये हो गई नंबर 6 रो तक सिलेक्ट हो चुकी है। अब अपने पास ये इस वाली रो में एक भी जीरो असाइन नहीं है, इसको अपन ने मार्क किया नंबर 7। अब ये देखते हैं जो रो अपन के पास मार्क नहीं हुई उसको अपन क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे लाइन से, 1 और ये 2, ये अपने पास जो मार्क नहीं हुई थी, बाकी जो असाइन हो चुके थे उसको अपन ने पहले ही क्रॉस कर दिया था। अब देखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू असाइन, जो अपन ने वैल्यू असाइन की थी वो नंबर ऑफ रो के इक्वल है। अब इसको रिड्यूस करना पड़ेगा किसमें, हंगेरियन मेथड से, ये हंगेरियन मेथड ही है, क्योंकि अपने पास 6x6 की मैट्रिक्स है और असाइन कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। फिर अपन ने इसको सिलेक्ट करके भी देख लिया, तब नंबर ऑफ लाइन और असाइन इक्वल होने चाहिए, जो कि इसमें इक्वल है।
अब जो रिमेनिंग ब्लॉक बचे हुए हैं जिसमें कोई क्रॉस नहीं लगा, जैसे कि ये वाला एक ब्लॉक है अपने पास जिसमें लाइन क्रॉस नहीं हुई, इसमें नेक्स्ट ब्लॉक ये बचा हुआ है, ये दो ब्लॉक है जिसमें लाइन पास नहीं हुई। इस ब्लॉक में देखना है सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसमें देखा मिनिमम वैल्यू कितनी है, 4 है। ब्लॉक में केवल ब्लॉक में जहां पे लाइन क्रॉस नहीं हुई इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसको कंपेयर के पूरे देखा अपन ने, मिनिमम वैल्यू 4 है। अब 4 को क्या करना है, जहां पे अपन के पास दो लाइन इंटरसेक्शन हो रही है, मतलब प्लस का साइन बन रहा है, दो लाइन इंटरसेक्शन हो रही है वहां पे इस 4 को तो ऐड करना है, और बाकी जो रिमेनिंग जहां पे लाइन क्रॉस नहीं हुई है उस जगह इस वैल्यू को माइनस करना है। अब क्या आएगी वैल्यू अपन देखते हैं, यहां इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां कितनी हो जाएगी वैल्यू 4, इंटरसेक्शन और पॉइंट कौन सा, ये 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, नेक्स्ट 11, 11 की जगह कितना हो जाएगा अपने पास 15 हो गया। अब यहां पे ये क्रॉस है 13 और कितना हो गया 4, 17, यहां इंटरसेक्शन है, इसके जगह कितना हो जाएगा 0 और 4, 4। अब इसमें देखा अपन ने कोई रिमेनिंग वैल्यू, अब 47 और है अपने पास, 47 प्लस 4 कितना हुआ अपने पास 15, ये अपने पास हो गई वैल्यू। अब जो रिमेनिंग है वैल्यू उसमें से 4 माइनस करना है, 29 माइनस 4 25, 15, यहाँ पे हो जाएगा 59 3 3, 46 माइनस 4 42, 9 माइनस 4 5, 0 0 22, यहाँ पे हो जाएगा 46, ये अपने पास वैल्यू आई माइनस हो गई। ये ध्यान रखना जहां पे इंटरसेक्शन लाइन हो रही है वहां पे इस मिनिमम वैल्यू को ऐड करना है, और जिसके ऊपर लाइन पास नहीं हुई है उसको अपन को क्या करना है, माइनस करना है। ये अपने पास मैट्रिक्स बन गई, अब फिर से इसको असाइनमेंट करना है, अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये अपने मैट्रिक्स बना जो अपन ने अभी सिलेक्ट की थी मैट्रिक्स, वो अपन ने सही से लिख दिया क्योंकि सारी लाइन क्रॉस हो चुकी थी। अब इसको सिलेक्ट करना है, ये जो रेड वाली वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है जहाँ अपन के साथ इंटरसेक्शन की वैल्यू बन रही थी, इंटरसेक्शन वाली वैल्यू यहाँ अपन ने ऐड किया था। जो ये ब्लैक में वैल्यू दिख रही है ये आपको रिमेनिंग मैट्रिक्स की थी जिसमें अपन ने माइनस किया था, जो 4 मिनिमम वैल्यू थी इसमें तो माइनस किया था, और ये ब्लू वाली वैल्यू दिख रही है वो एज इट इज है जैसे कि पहले थी, क्योंकि इसके ऊपर केवल लाइन पास होती थी, इंटरसेक्शन नहीं बन रहा था। अब फिर से इसको सिलेक्ट करना है, वो देखते हैं कैसे सिलेक्ट करेंगे। फिर से ऊपर देखा, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इसमें 2 0 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इस वाले में सिंगल 0 है, इसको सिलेक्ट किया, रिमेनिंग 0 क्रॉस कर देंगे, इसमें भी नहीं है, नेक्स्ट में इसमें कितने 0, 2 है, इसमें भी 2 है, फिर से चेक किया अपन ने, 2 2 0 आ गए। अब देखते हैं कॉलम में, अगर सिंगल 0 आ रहा हो तो देखते हैं कॉलम में, इसमें देखा सिंगल 0 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें देखा कि सिंगल 0 है ये वाला, कौन सा, ये सिंगल 0 है इसमें कॉलम में, ये सिलेक्ट हो गया, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम में इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 0 है। अब फिर से रो में आएंगे अपन, ये हो चुकी है सिलेक्ट, इसमें देखा 2 0, इसमें भी 2 है, ये सिलेक्ट हो चुकी है, इसमें 2 0 है, फिर इसमें 2 0। अब क्या करना, 2 0 से लेना है, और सबसे पहले ये देखना है कि जो सबसे पहले 0 आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे अपन। इस रो में देखा कौन सा 0 आ रहा है सबसे पहले, ये अपने पास 2 ही ऑप्शन है, अब तो 2 0 रहे हर एक में, हर रो में 2 0 अपने पास, और कॉलम में भी 2 है, सबसे पहला 0 आएगा इसको अपन सेलेक्ट कर देंगे, ये 0 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से ये 0 क्रॉस हो जाएगा। फिर देखा रो में इसमें भी 2 है, फिर इसमें 2 है, फिर इसमें भी 2 है। अब देखते हैं कॉलम चेक करते हैं, कॉलम में इसमें 2 है, इस वाले में भी, इसमें सेलेक्ट हो चुका है, इसमें 2 है, फिर लास्ट वाले में सिंगल 0 है, सिंगल 0 इसमें भी अपने पास, ये सेलेक्ट हो चुका है, ये क्रॉस हो जाएगा। अब देखते हैं किसमें अब रिमेनिंग रहा और कितने अपने को सेलेक्ट करने बाकी है, सेलेक्ट हो गई, ये सेलेक्ट हो चुकी है, ये अब रिमेनिंग 2 रो रही, इसमें 2 0, इसमें सिंगल 0 है, ये सेलेक्ट हो गया अपने पास, ये कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग 0 सिंगल ही बचा हुआ इसमें,
ये सिलेक्ट हो गया। अब देखते हैं कितने सिलेक्ट हो रहे हैं इसमें, 2, 4 और 6। अपने पास मैट्रिक्स कितने की थी, 6x6 की थी, और ये अपने पास 6 असाइन हो चुके हैं। तो ये हंगेरियन से रिड्यूस कर दिए अपने मैट्रिक्स को। अब इसकी क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो अपन ने सबसे पहले जो क्वेश्चन लिया था उसमें ओरिजिनल मैट्रिक्स कौन सी थी अपने पास, उसकी जगह ये जो सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, ये वाली वैल्यू सिलेक्शन है, ये वाली है, ये 6 जो वैल्यू सिलेक्ट है उसकी जगह ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखी थी उससे कंपेयर करना है कि यहाँ पे कॉस्ट क्या दे रखी है। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में है तो टाइम को लेना है, और कॉस्ट के रेस्पेक्ट में है तो कॉस्ट लेंगे अपन। तो वहाँ से वैल्यू उठा लेंगे उस मैट्रिक्स से कंपेयर करके, और फाइनल एडिशन करके देखेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर इसमें अपने पास 6 सिलेक्ट हो चुके, अगर ये 5 होते अगर यहाँ पे सिलेक्शन, अगर 0 की जगह 1 होता तो इसे 5 सिलेक्ट हो रहे, मैट्रिक्स कितने की है, 6x6 की। तो जो अपने हंगेरियन की मेथड लगाई थी जिसमें 0 सिलेक्ट करना, फिर से सेम प्रोसेस इसमें लगानी है। अब जो मेन प्रॉब्लम मैट्रिक्स बनेगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अब अपने पास ये इस मैट्रिक्स में क्या होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा अपने लिए, जो रो और कॉलम से रिड्यूस करने के बाद एक तरह से ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसमें फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सी जो सिलेक्ट नहीं हुई, जिसमें 0 सिलेक्ट नहीं, उसको सेम प्रोसेस हंगेरियन वाली अप्लाई करके फिर से इसको रिड्यूस करना है और सिलेक्ट करना है, और देखना है कि जितने की 6x6 की मैट्रिक्स है तो 6 सिलेक्ट होने चाहिए 0, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर फिर सेकंड टाइम में भी नहीं होता है तो सेम प्रोसेस थर्ड टाइम भी फॉलो करनी है, लेकिन मैक्सिमम केस में सेकंड टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।